नमस्कार, इलायची किचन में आपका स्वागत है। आज एक नई रेसिपी बनाएंगे। अभी आम का सीजन चल रहा है तो आज हम बनाएंगे आम के पकौड़े। पकौड़े बनाने के लिए मैंने एक पका हुआ आम लिया है, कुछ मसाले है, हरी मिर्ची, धनिया, बेसन, जो हम पकौड़े के लिए जनरल यूज करते हैं। आम को छील कर पहले मैं पीसेस में काटती हूँ। देखिए, मैंने आम को इतने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। अब इस पर हम मसाला मिलाते हैं कि आम मीठे रहते हैं ये, और थोड़ा कड़क ही आम लें। इस पर हम काली मिर्ची का पाउडर ये मिक्स करो, इससे एक बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा मीठा एकदम। बहुत ही पकोड़े बहुत शानदार बनेंगे ऐसे यहाँ पे जो मसाला। इसमें सिर्फ नमक नहीं डालना है, मैं सिर्फ काली मिर्ची और चाट मसाला ही डालूँगी। एक अलग तरह के टेस्ट के पकोड़े आप खाएंगे। ये चाट मसाला है, बिल्कुल हल्का हल्का सा इस पर गुड़गुड़ाना है, सब पीसेस पे हो जाए अच्छी तरह से। इसको हम मिक्स कर देंगे, क्योंकि नमक डालेंगे तो पानी छोड़ देगा, तो फिर पकोड़े अच्छी तरह से नहीं बनेंगे। वैसे ही जूसी रहता है आम, और बहुत ज़्यादा नरम आम न ले, ना बहुत ज़्यादा कड़क ले। इसको अब हम अलग रखते हैं। अब इसका पैटर्न बनाकर तैयार करते हैं। ये एक कप बेसन लिया है, कोई सी भी आप कटोरी से, आपके घर में जो भी बर्तन है, जिस हिसाब से भी आपको बनाना है, जिस क्वांटिटी में, उस हिसाब से आप बेसन ले सकते हैं। ये मैंने बेसन लिया है। ये कुछ मसाले हैं, अजवाइन है, लाल मिर्ची है, धनिया पाउडर, हल्दी और काला नमक। इसको हम सबको इसमें बेसन में डालते हैं। ये मेरा थोड़ा तीखा बनाने के लिए हरी मिर्ची भी, आप जिस हिसाब से भी खाते हैं हरी मिर्ची डाल सकते हैं, नहीं खाते तो स्किप भी कर सकते हैं। धनिया, इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसका एक बैटर बना लेंगे, जैसे हम भजियों के लिए बैटर बनाते हैं पकोड़े के लिए। पर इसका बैटर थोड़ा सा अपन को गाढ़ा रखना है, क्योंकि आम जूसी है इसके कारण। इसको हम बेसन में सब मसाले मिला लिए हैं। अब हम चावल का आटा या अरारोट, कॉर्नफ्लोर, कुछ भी इसमें क्रंच के लिए डालेंगे। तो एक टेबल स्पून में कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। अब इसको हम पानी डालकर एक बैटर बनाते हैं। धीरे धीरे ही पानी डालें और इसका एक अच्छा सा बैटर बनाते हैं। मैंने उधर गैस पर कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है, तो तेल भी गरम होगा जब तक ये बैटर बनकर रेडी हो जाएगा। अभी बैटर इतना गाढ़ा है, इतना गाढ़ा बैटर नहीं रखना है हमको, थोड़ा सा पानी और डालूंगी। और इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि सब मसाले वगैरह इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और ये पकोड़े बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि आम खट्टा मीठा ही रहता है और तीखा भी हो जाएगा, हमने इसमें मसाला मिलाया है। आप ये ज़रूर मेरी रेसिपी बनाकर देखिए और मेरे चैनल इलायची किचन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्याज के पकौड़े, आलू के पकौड़े, मिर्ची के पकौड़े तो आपने बहुत खाए होंगे, पर एक बार ज़रूर ट्राई करिए आम के पकौड़े। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसमें हम एक दो चार पीस में आम के ऐसे ही डालती हूँ। देखिए, मैंने आम के पीसेस डाल दिए हैं इसमें बैटर में। अब इसको हम एक एक करके इसमें कोट करके बेसन में, मैंने तेल ऑयल पहले ही गरम रख दिया था, ऑयल गरम हो गया है। फ्लेम को आप मीडियम ही रखना है आपको। ये
बहुत ही टेस्ट में एक यूनिक टेस्ट आता है पकौड़े का, आप ज़रूर ट्राई करिए एक बार ज़रूर। अभी तो आम का सीजन है तो आम आ ही रहे हैं। इसको अभी हमको बिल्कुल चलाना नहीं है जब तक कि नीचे से हल्का सा एक सुनहरा कलर नहीं आ जाता, क्योंकि बहुत ही नाजुक पकौड़े बनते हैं ये। अब इसको हम सीखने देते हैं आहिस्ता आहिस्ता पलटे, क्योंकि बहुत ही नाजुक है। और गैस की फ्लेम को अब इनको हाई कर देते हैं हम, तो एक अच्छा सा कलर आ जाएगा इस पर। इस पर प्रॉपर हर पीस पर, आम के हर पीस पर बेसन कोट होना चाहिए, नहीं तो कढ़ाई में जाके ये फूट भी सकते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे ही इसको पलटे, अभी गोल्डन कलर अच्छा आ जाए फिर हम इनको हम निकालते हैं। देखिए पकौड़े सीखकर तैयार है, एकदम अच्छे कुरकुरे करारे। इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। बहुत ही नाजुक पकौड़े हैं, बिल्कुल ध्यान से निकालिए, ध्यान से पलटिए, और ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसके साथ में कोई चटनी की ज़रूरत नहीं, इतने टेस्टी रहते हैं, खट्टे मीठे टेस्ट वाले, एकदम यूनिक ही टेस्ट रहता है इसका आम के पकोड़े का। एक बार ज़रूर बनाइए आप मेरे कहने पर, ज़रूर ट्राई करिए। अभी आम का सीजन है तो आम भी बहुत आ रहे हैं, इसको अब हम प्लेट करते हैं। चलिए बनकर तैयार है आम के चटपटे खट्टे मीठे रसीले पकोड़े। आप भी बनाइए और अपना अनुभव मेरे साथ में शेयर करिए, और मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।